हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए ऑटो के एडवांस ट्यूटोरियल के अंदर अगला ट्यूटोरियल, जो जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे कमांड्स बताने वाला हूँ जो आपके प्रोडक्टिविटी को फिर से इम्प्रूव करने वाला है। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं अवकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, आज का वीडियो उस काम के लिए, उस डिज़ाइनिंग की टाइप की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़फुल होने वाला है जहाँ पे आप मैक्सिमम टेक्निकल वर्क यूज़ करते हो, या फिर कोई आप ऐसी ड्राइंग्स बनाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। मोस्टली मैकेनिकल सिविल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो हमारा टॉपिक आज का है कंस्ट्रेंट। जी हाँ दोस्तों, कंस्ट्रेंट के बारे में हम पूछेंगे, कंस्ट्रेंट के बारे में हम समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ये बेसिकली पैरामेट्रिक के अंदर टॉपिक कवर किए जाते हैं। पैरामेट्रिक के अंदर दो तरीके के कंस्ट्रेंट आते हैं, आप यहाँ पे जाओगे पैरामेट्रिक के अंदर, और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, दो तरीके के कंस्ट्रेंट मिलेंगे आपको। और तीसरा एक होगा पैरामीटर्स मैनेजर्स, ये भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से पैरामीटर्स हम सेट करते हैं। तो दोस्तों, हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट यानी ज्योमेट्रिक पैरामेट्रिक के अंदर हम क्या चीज़ें देखते हैं कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपने पहले कोई सॉफ्टवेयर, जैसे कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर अगर यूज़ नहीं किया हो तो आपको शायद नहीं पता होगा। अगर जिन लोगों को 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे तो उनको ये चीज़ें पता होती हैं, इनको एटलीस्ट साउंड नॉलेज तो रहता ही है। तो कंस्ट्रेंट वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन सप्लाई करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक के अंदर ज्योमेट्रिकल रिलेशन सप्लाई करते हैं, जैसे कोइंसिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंसी, सिमेट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट के अंदर काउंट किए जाएंगे। दूसरा होता है हमारा डायमेंशनल, मतलब कि हम डायमेंशनल कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करेंगे, डायमेंशनल रिलेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन डायमेंशन में रिलेशन कैसे आ जाएगा? डायमेंशन में हम फिक्स डायमेंशन देंगे किसी भी लाइन को, एक फिक्स डायमेंशन पे उसके बाउंड्रीज को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं चलिए देखते हैं। जैसा कि मैं कुछ ड्राइंग्स पहले बना लूँ, उसके बाद से इन चीज़ों को यूज़ कर पाऊँगा, देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्केचेस बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ स्केचेस बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन से सबसे पहले है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट नाम से ही समझ पा रहे होगे आप कि कोई एक लाइन के एक पॉइंट को दूसरे लाइन पे फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा वाला पहले वाले के ऊपर कोइंसाइड होकर आके लग जाएगा, ठीक है। हमेशा जो पहले सेलेक्ट करोगे आप वो फिक्स रहेगा, दूसरा वाला सेलेक्ट करोगे आप दूसरा वाला उसके ऊपर आके लगेगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा पहला वाला, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। दूसरा है हमारा कोलिनियर, जैसे ये एक है, इसको हमने क्लिक किया तो ये फिक्स रहेगा, दूसरा वाला इसके अलाइन होके लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब फिक्स हो गया है तो कैसे हम पता चलेंगे कोलिनियर है? अब इसके एडिटिंग ग्रिप्स को पिक करके इसको आप मूव करोगे, तो पहले वाले को मूव करोगे तो दूसरा वाला भी उसी के कोलिनियरली मूव करेगा। अब इसके इस पॉइंट को पकड़ करूँगा तो वो भी कोलिनियर ही रहेगा हमेशा, चाहे जिधर जाएगा वो उधर ही रहेगा। साइज आप वेरी नहीं कर सकते, साइज जिसका जितना है वो उतना रहेगा, साइज हमने फिक्स नहीं किया है, बस ज्योमेट्रिक, ध्यान रहे ज्योमेट्रिकल हमने इसका रिलेशन फिक्स किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कंसेंट्रिसिटी, पहले वाले को सिलेक्ट किया फिक्स रहेगा, दूसरा वाला इसके ऊपर कंसेंट्रिक होके आके लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा है हमारा फिक्स। फिक्स मतलब क्या होता है कि जैसे देखो इसको हमने सेलेक्ट किया, ये फिक्स हो गया। फिक्स कैसे हो गया कि अब इसके सेंटर पॉइंट को पिक करके कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता हूँ, कहीं भी नहीं मूव कर सकता हूँ। अब जैसे ये फिक्स नहीं है लेकिन इसको पकड़ के मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। फिर से वही बात है कि डायमेंशन आप छेड़ोगे तो वो चेंज होगा ही होगा, डायमेंशन फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि हम ज्योमेट्रिक पढ़ रहे हैं, डायमेंशन वाला आगे आएगा, तो इसलिए ज्योमेट्रिक में हम अभी बस लोकेशन इसका ज्योमेट्रिकल चीज़ें फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अगला है हमारा पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल कर देगा, ये लिया एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के ऐसे करूँगा तो पैरेलल ही मूव करेंगे, यानी जिसके स्टार्ट
लाइन के बीच का गैप और एंड लाइन के बीच का गैप जो है इक्वल रहेगा हमेशा पैरेलल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे पैरेलल। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या होगा, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, लाइन पे क्लिक करो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वर्टिकल में होगा, लाइन पे क्लिक करो लाइन वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से टेंजेंट में लिया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट आप मल्टीपल टाइम भी देख सकते हो, इसको लिया, इसको लिया, एक दूसरे के टेंजेंट हो गए, ठीक है। फिर इस फिर से लेना है आपको टेंजेंट, फिर लिया इसको, इसको लिया और इसको लिया, फिर से होंगे टेंजेंट, ठीक है। यानी तीनों एक दूसरे के टेंजेंट हो चुके हैं। अब ये कहीं पे भी चलेंगे तीनों साथ में ही चलेंगे अब, ठीक है। टेंजेंशियली ही मूव करेंगे, भले ये अलग हो जाए लेकिन टेंजेंट में ही रहेगा इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे टेंजेंट। अगला है हमारा स्मूथ। स्मूथ बेसिकली क्या होता है, ये स्मूथ दो स्प्लाइंस को ज्वाइन करने का काम आता है। SPL एंटर किया हमने, सॉरी SPL एंटर, यहाँ से मैं ऑर्थो ऑफ करके स्प्लाइन बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमने लिया स्मूथ, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, तो ये देखो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये उसी पॉइंट पे ज्वाइन नहीं करेगा जिधर से इसका कर्वेचर फॉर्म कर रहा है, उधर से ये इसको स्मूथ करेगा, ठीक है। अब इसमें फंडा ये है कि जिसको आपने पहले सेलेक्ट किया, इसको लिया और इसको लिया, ठीक है, तो इसमें पहला वाला मूव करेगा, ठीक है, हमेशा। अगला है हमारा सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी आपको नाम से पता होगा, ठीक है। दो लाइन को सेलेक्ट किया और तीसरे लाइन पे क्लिक करूँगा तो तीसरा लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों लाइन इक्वल इक्वल गैप पे प्लेस हो जाएंगी। अब पहले वाले को मैं छेड़ूंगा तो उसके हिसाब से ही दूसरा वाला भी मूव करेगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरा वाला भी उसी हिसाब से मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे सिमेट्रिसिटी। सारा कॉन्स्टेंट यहाँ पे विजिबल हो रहा है, आप यहाँ पे शो ऑल कर सकते हो, हाइड ऑल कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करना है, क्लिक करो इस पर, लाइन पे क्लिक करो, एंटर करो, कंस्टेंट डिलीट हो जाएगा। अब इसको मूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंस्टेंट डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अगला आता है हमारा डायमेंशनल कंस्टेंट। डायमेंशनल कंस्टेंट बेसिकली क्या होता है कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर देते हैं। जैसे आप देखो कि मैंने एक लाइन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर डायमेंशन देना है तो लीनियर पे क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक हमने क्लिक किया, इसका डायमेंशन ये दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डायमेंशन दे दिया, इसका इतना है और ये लॉक बन के आया, मतलब इसका फिक्स डायमेंशन है। अगर मैं इसमें डबल क्लिक करके इसके डायमेंशन में कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने इसको 10,000 कर दिया, एंटर किया, तो इसका लाइन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। मतलब कि ये डायमेंशनल फिक्स है, डायमेंशनल कंस्टेंट इस पर हमने लगा दिया है। अगर कुछ भी चेंजेस होगा डायमेंशन में तो ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज होगा। ये होता है हमारा डायमेंशनल कंस्टेंट। अलाइन के लिए आपको लगाना है, अलाइन लाइन ले लो आप, अलाइन लाइन के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रेडियस के दिखाना है, सर्कल पे क्लिक करो, आप रेडियस दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, डायमीटर दिखाना है, डायमीटर दिखा सकते हो, एंगल दिखाना है, एंगल दिखा सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो, ठीक है। डिलीट करना है, शो ऑल, शो ऑल, हाइड ऑल, हाइड ऑल कर सकते हो, डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लोगे। अब अगला चीज़ हम बढ़ते हैं जो हमारा क्या कहते हैं, एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, ऑटो कंस्टेंट। ऑटो कंस्टेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे देखो आप, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक लाइन है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन अप्लाई करना है, तो आप सोचोगे कि ऑटो कंस्टेंट मैं ले लूँ और दोनों पे क्लिक करूँ तो रिलेशन अप्लाई हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन हम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑटो कंस्टेंट तभी वर्क करेगा जब पहले से कोई चीज़ स्पेसिफाई हो, मतलब पहले से ये एक दूसरे के ऊपर टच कर रहे हों, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर पहले से टच कर रहे हों, सपोज करो, ठीक है, और टेंजेंशियली ये इसके ऊपर टच कर रहा है, सपोज करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑटो कंस्टेंट लिया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, नहीं हुआ है क्योंकि टेंजेंशियली नहीं आया है। यहाँ पे आपको इसके अब ले लिया, अब मैं ऑटो कॉन्स्टेंट लिया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, हमने एंटर किया, तब इनके बीच जो है ये टेंजेंट अपने आप अप्लाई होके लग जाएगा। तो ऑटो कॉन्स्टेंट इस तरीके से वर्क करता है कि पहले से ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर बने होने चाहिए। जैसे ये दोनों पॉइंट लिया हमने, फिर ऑटो कॉन्स्टेंट लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इनके बीच कोइंसिडेंट आके लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ऑटो कॉन्स्टेंट वर्क करता है।
अगला हम आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होता है कि हम रिलेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, डायमेंशनल रिलेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये लिया रेक्टेंगल हमने, ठीक है। अब इसका मैंने एक डायमेंशन दे दिया लीनियर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और फिर एक इसका वर्टिकल डायमेंशन दे दिया हमने ये, ठीक है। अब यहाँ पे D3 और D4 इसका नाम है, पैरामीटर्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे D3 एंड D4, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि D3 इज ऑलवेज डबल ऑफ D4, ठीक है। तो D3 में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे डालूँगा D3 जो होगा D4 का डबल होगा, D4 × 2, एंटर, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। एक्चुअली ये रिलेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा जब ये इक्वल होगा, ठीक है। जैसे आप देखो मैं इसका शेप चेंज कर देता हूँ D4 का, ठीक है। D4 को मैंने दे दिया 2000, ऑटोमेटिकली D3 जो है हमारा 4000 हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे 4000 हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो। जैसे हमने इसको दे दिया हमने 3000, ऑटोमेटिकली 6000, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे D4 की वैल्यू जो हमने दी थी D4 × 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3000 दे दूँगा, ऑटोमेटिकली वो 6000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंज करके वैल्यू पैरामीटर रिलेशंस लगा के आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। ये यहीं से नहीं, आप चाहो तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से जैसे आपको यहाँ से चेंज करना है, इस पर क्लिक करो आप। जैसे हमने 3000 लिया है और इसको मैं 2000 वापस कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं अपने स्केचेस के अंदर। तो ये वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स है, वहाँ पे आपको रिलेशन वगैरह देने हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिले होंगे इस वीडियो से। तो अगर आपको कोई रिलेटेड क्वेरी रहती है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी बताएं, मैं उस पर फर्दर वीडियो बना के आपको पोस्ट करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।